फॉरेस्ट विभाग को अवैध सागौन का परिवहन करने की मुखबिर द्वारा लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके चलते करीब रात 3 बजे नेपा नगर फॉरेस्ट ने टीम बनाकर अवैध सागौन परिवहन कर रहे छोटा हाथी ऑटो को नेपा नगर असिरगढ़ फाटे के पास से आ रहा था, जिसको फॉरेस्ट विभाग टीम ने पकड़ा, लेकिन आरोपी फरार हो गए। विरासत की कार्यवाही की गई है। पूरी जानकारी देते हुए नेपा नगर रेंजर BS बर्डे ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मनपछित नेपा नगर का रात्रि गश्ती दल गश्ती कर रहा था। नेपा फाटे के पास खड़े थे कि एक छोटा हाथी में सागौन लकड़ी रखी हुई और एक मोटरसाइकिल आगे से पेरी करते हुए आए। उनको रोका तो उन्होंने भागना चालू कर दिए। 100-200 मीटर दूरी पर फिर रोका उनको। उन्होंने वहाँ पे हमारे स्टाफ को टक्कर मार दी। वो पीछा किया तो गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने पे जितने आरोपी थे वो फरार हो गए और गाड़ी में सागौन लट्ठे मिले और छोटा हाथी एक जब्ती की और एक मोटरसाइकिल जब्ती की है। सर, कौन सी बीट क्रमांक का मामला है ये? चांदनी से और नेपो फाटे के बीच में से ले जा रहे थे। हमने पकड़ा उसको 185 कंपार्टमेंट के पास, सर, झांझर फाटे के पास। सर, कितनी लकड़ियाँ जब्त की गई आपके द्वारा? ये 20 नग लट्ठे और 0.6 घन मीटर और 40 से 50 हज़ार रुपये की कीमत है।